चलिए अब अपन नेक्स्ट चालू करते हैं हर्डमानिया के अंदर। अपन ने इससे पहले देखा था इसका बॉडी प्रॉपर, इसके फुट के बारे में, किस प्रकार की उसमें इंटरनल उसकी स्ट्रक्चर होती है, और उसके अंदर है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अंदर ये अगला टॉपिक मेंटल और बॉडी वॉल। मैंने आप लोगों को इससे पहले बताया था कि जो मेंटल है वो हर्डमानिया पे पाए जाने वाले टेस्ट, सपोज दैट ये आउटर जो बॉडी है ये कवर बाई टेस्ट चोट के द्वारा कवरिंग होती है। ये क्या है? टेस्ट, जिसको अपन चोल बोलते हैं। इसके अंदर की तरफ यानी चोल के अंदर मेंटल या फिर बॉडी वॉल पाई जाती है। मेंटल या फिर बॉडी वॉल पाई जाती है। अब इसके अंदर हर्डमानिया में पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गन है ना, या इसके जो दोनों पोर है, ठीक है, ब्रंकियल और एट्रियल, ये सब दोनों जो अटैच होंगे यानी किसकी संरचना द्वारा बने होंगे, ये मेंटल के द्वारा बने हुए होंगे। या फिर मैं ये सिंपल की बात आपको ये बोलूं कि सपोज दैट ये कोई पोर है तो इस पोर पे जो कवरिंग पाई जाएगी, इस पे जो बॉडी वॉल पाई जाएगी, ये बॉडी वॉल क्या होगी? मेंटल होगी। ठीक है, ये आपके पोर हो आगे बात समझ के अंदर। अब इसको तो बाहर की तरफ से कवर करेगा भाई, ये तो ओपन है, तो इस पे कंप्लीट क्या होगा? चोल डेवलप नहीं होगा, ये यहां से ओपन होगा और इसके आउटसाइडेड यानी इस चोल से निकलती हुई इस प्रकार से इसकी जो आउटर सरफेस होगी ये क्या कहलाएगी? टेस्ट कहलाएगी चोल के। ठीक है, आगे बात समझ। देखो मेंटल और बॉडी वॉल, चोल के नीचे मेंटल या बॉडी वॉल उपस्थित होती है। किसके नीचे होती है? चोल के नीचे या टेस्ट के नीचे उपस्थित होती है। ये टेस्ट या चोल को स्त्रावित करती है। मैंने आप लोगों को कल वाली क्लास के अंदर बताया था कि टेस्ट क्या होता है, भारी वातावरण के कारण धीरे धीरे डैमेज होने लग जाता है, तो उसके रीडेवलपमेंट के लिए कौन काम करता है? इसका मेंटल या फिर बॉडी वॉल काम करती है, को स्त्रावित करता है। टेस्ट को हटाने पे इसको देखा जा सकता है, यानी अगर मैं इस टेस्ट को हटा दूं तो इसके नीचे तो बॉडी वॉल की स्ट्रक्चर है, मैं इसको आसानी से देख सकता हूं। उसके बाद ये साइकोन द्वारा संलग्न होती है, जो ये साइकोन निकलते हैं एट्रियल साइकोन और ब्रैंकियल साइकोन, इसके द्वारा संलग्न जुड़ी हुई होती है। संलग्न मतलब जुड़ना, जुड़ी हुई होती है। इसमें इंटरनल ऑर्गन क्लियर रूप से दिखाई देते हैं, यानी इसके नीचे की तरफ जितने टाइप्स के ऑर्गन है वो सब क्या होंगे? क्लियरली आइडेंटिफाई होते हैं, दिखाई देते हैं। अब इसको तीन टाइप्स में बांटा जाता है, आउटर एपिडर्मिस, मेजेंकाइम और इनर एपिडर्मिस। आउटर एपिडर्मिस में क्या होता है? ये चपटी होती है, ठीक है, स्लेट होती है, फर्स्ट कोन ये सेल्स का स्तर होता है। ये अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है, कैसे होती है इसकी कवरिंग? अंदर की तरफ होती है। अंदर की तरफ क्या होता है? ये मुड़ा हुआ होता है, यह टेस्ट को सीक्रेट करता है, इसको सीक्रेट करता है, टेस्ट को सीक्रेट करता है, यहां से फ्यूजन डेवलप होती है। ठीक है, अगला मेजेंकाइम, ये आउटर एपिडर्मिस के नीचे यानी मिडिल लेयर होती है, ये कनेक्टिव टिश्यूज की बनी हुई होती है। इसके बाद इनर एपिडर्मिस, ये इंटरनल होती है, चपटी होती है और बहुकोणीय सेल्स की बनी हुई होती है। इट मींस जो बॉडी वॉल होती है अपने, वो तीन टाइप से बनी होती है, आउटर एपिडर्मिस, मेजेंकाइम और इनर एपिडर्मिस। यहां से जो क्वेश्चन डेवलप होता है वो ये होता है कि जो आपके जो टेस्ट है उसका सीक्रेशन कौन करता है, उसको सीक्रेट कौन करता है, उसको कौन करता है? आउटर एपिडर्मिस। या फिर अगर ऑप्शन दिया हुआ आउटर एपिडर्मिस से पहले मेंटल दिया हुआ है तो क्या जाएगा? मेंटल या फिर बॉडी वॉल। ठीक है, तो ये हो गया आपके इसकी एक्सटर्नल मॉर्फो। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लेते हैं। चलिए, तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का अपने स्टडी कर लेते हैं। अब अपन सेकंड देखते हैं, इसके अंदर इंटरनल ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। मैंने आपको इससे पहले बताया था कि टेस्ट को हटाने के बाद जो मेंटल जो है या फिर जो बॉडी वॉल है वो प्रदर्शित होती है, और उसको अगर अपन हटा देते हैं या उसको क्या होता है, ट्रांसप्लांट होती है, इससे इजीली अपन जो इसके अंदर इंटरनल ऑर्गन है इसके उसको अपन देख सकते हैं। तो सबसे पहले दो साइड होती है, लेफ्ट साइड और राइट साइड, यानी हर्डमानिया जो है आपका इस प्रकार से अगर वो है तो उसको अपन इस प्रकार से राइट साइडेड और लेफ्ट साइडेड उसको देख सकते हैं। तो दोनों साइड में कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं जो जनरली अपन को शो होती है, ये देखिए इसके अंदर। जैसे कि लेफ्ट साइड के अंदर टू साइकॉन्स प्रेजेंट होते हैं, मैंने आपको बताया था, एट्रियल और ब्रैंकियल। इसी प्रकार से ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, कैसी होती है? बले की टाइप की, आपको साइकोन यहां पे नजर आ रहे हैं,
ठीक है, कैसी है ये, बले के जैसी स्ट्रक्चर है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसमें चार लोबीज प्रेजेंट होती है, कितनी लोबीज, चार, 1 2 3 4, यानी कितनी लोबीज प्रेजेंट होती है, 4 लोबीज प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके बाद इसमें स्टोमक, इंटेस्टाइन और एनस प्रेजेंट होते हैं। स्टोमक, इंटेस्टाइन और एनस, यानी इसके अंदर रिलैक्सेटेड पार्ट है, यहां पे क्या प्रेजेंट हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, इसी प्रकार से इसमें स्टोमक और एनएस भी प्रेजेंट होते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, फिर डाइजेशन सिस्टम बताएंगे तब, अभी सारे जो स्ट्रक्चर्स आएंगे, जितने भी नाम जो यहां पे राइट डाउन कराएंगे, सारे नाम इसके अंदर बताऊंगा। अब देखो इसके बाद स्टोमक के सामने चॉकलेट कलर के लेफ्ट लिवर गोनाड प्रेजेंट होते हैं, और लेफ्ट गोनाड प्रेजेंट होते हैं, फेरिंक्स प्रेजेंट होते हैं, यानी इसके जस्ट सामने, यानी इंटेस्टाइन इसके जस्ट सामने क्या प्रेजेंट होती है, अपनी फेरिंक्स प्रेजेंट होती है, और गोनाड जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अगला है राइट साइड के अंदर अगेन 2 साइफोन प्रेजेंट होते हैं, मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, यानी जो मसल्स लाइक स्ट्रक्चर होती है यहां पर, ये वाली स्ट्रक्चर, ये मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इसके बाद न्यूरल गोनाड, यानी न्यूरल ग्लैंड, ठीक है, नर्व ग्रंथियां होती है वो प्रेजेंट होती है, राइट लिवर लोबस प्रेजेंट होती है, पेरिकार्डियम इसके जस्ट सामने, ये जो आपका हार्ट इसकी तरफ का जो आवरण होता है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम प्रेजेंट होता है, राइट गोनाड प्रेजेंट होते हैं, और एंडोस्टाइल्स प्रेजेंट होती है, ये यहां पर एंडोस्टाइल जो कि ब्लड वेसल्स को के साथ होती है। ठीक है, अब इसके अंदर देखना, इस स्ट्रक्चर को देख लेना, आउटर सरफेस जो है इसकी ग्रीन कलर से शो हो रही है, ये तो क्या कहलाएगी, इसकी जो ग्रीन कलर से शो हो रही है ये कहलाती है टेस्ट कहलाती है, क्या कहलाती है, टेस्ट। इसके बीच में क्या प्रेजेंट है, मेंटल प्रेजेंट है, ये जो है आपके ये वाला, ठीक है, ये क्या है, मेंटल। इसके बाद के अंदर अब इस मेंटल से जो ब्लड वेसल्स होती है वो क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, निकलती है, ये आप लोगों को यहाँ पे ब्लड साइनस दिख रहा है, एक ऐसी जगह जहाँ पे ब्लड इकट्ठा होगा और उसके बाद वो ट्यूबल्स के द्वारा या तो ब्लड वेसल्स से उनके द्वारा कहाँ चला जाएगा, इंटरनल ऑर्गन को सप्लाई प्रदान करेगा। इसी प्रकार से ये जो मेंटल है इसी के आवरण में क्या प्रेजेंट होती है, आपकी ओवरी, यहाँ पर जैसा कि आप शो देख रहे हैं, ये क्या प्रेजेंट है, आपकी ओवरी के साथ ओवरी डक्ट, यानी इसके रिलेटेड ऑर्गन जो है वो सब प्रेजेंट होते हैं, हार्ट प्रेजेंट होता है इसके अंदर, ये क्या है, यहाँ पर इसके अंदर हार्ट, ये सब किसके में प्रेजेंट होंगे, मेंटल के से अटैच होते हैं, एंडोस्टाइल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, ये यहाँ पर जो वेसल्स हैं वो वेसल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। इसके बाद इसकी इंटेस्टाइन प्रेजेंट है, ये आपकी इंटेस्टाइन यहाँ पर, ठीक है, और ये ब्रैंकियल फोल्ड्स, ये क्या है, ब्रैंकियल फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। इसी प्रकार से जो रेक्टम होता है वो भी प्रेजेंट होता है। इट मींस कहने का मतलब जो मेंटल होता है उससे डिफरेंट टाइप्स के जो ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं, अटैच होते हैं, जिनकी अपन आगे फर्दर स्टडी करें, ठीक है, इसको राइट डाउन करो। एक छोटा सा टॉपिक और इसमें सिलोम और एड्रियम, देखिए क्या होता है, एक्चुअल में एनिमल्स जो हैं उनमें क्या जनरली क्या बोलते हैं, ट्रूसिलोम एनिमल्स होते हैं, ट्रूसिलोम यानी वास्तविक देह हुआ प्रेजेंट होती है, बट इसके अंदर जो अपने हडमानिया है इसके अंदर क्या होता है कि एट्रियम के अति डेवलपमेंट यानी हाईली डेवलप होने के कारण ये जो ट्रूसिलोम होती है क्या होती है, नष्ट हो जाती है, ठीक है। इट मींस जो मेंटल और फेरिक्स है यानी जो आपका मेंटल और ये फेरिकल जो पार्ट है इसके बीच के अंदर जो कैविटी होती है, ठीक है, इसके बीच के अंदर जो कैविटी होती है जिसके अंदर इंटरनल ऑर्गन क्या रहते हैं, क्लोज रहते हैं, बंद रहते हैं, इसे क्या कहते हैं अपन, एट्रियम कहते हैं, यानी ये जो पूरी कैविटी है यानी ये आपका जो फेरिंक्स है उसके बीच में और ये मेंटल के बीच की जो कैविटी होगी इसको क्या कहलाएंगे अपन, एट्रियम कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का अडमानिया है, इसके अंदर अपन एक्सट्रामॉर्फोलॉजी और इंटरनल ऑर्गन्स या इंटरनल मॉर्फोलॉजी की स्टडी कर ली। नेक्स्ट टॉपिक में अपन देखेंगे इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, ये डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें किस प्रकार का डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है और किस प्रकार से ये फूड को कैप्चर करता है। इट मींस नेक्स्ट टॉपिक होगा इसके अंदर फूड कैप्चरिंग और इसका डाइजेशन, ठीक है, इसको राइट डाउन कर लो, किसी ने नहीं करा।